अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो राइज स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब फिट फाट हो गए। तो गाइस आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बग्स इन फ्री फायर, जो फ्री फायर के अंदर इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और 100% वर्किंग है। अपडेट के बाद ये वाले बग्स आपको गेम के अंदर देखने को मिल गए थे। तो गाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इन बग्स के बारे में नहीं पता, तो गाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बग्स सारे के सारे बहुत ही ऑसम है और 100% वर्किंग है। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना और सारे के सारे बग्स आप खुद जाके ट्राई करना, और सारे के सारे बग्स 1000% वर्किंग है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सबका टाइम वेस्ट किए बगैर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि पहली दफ़ा चैनल पर विजिट कर रहे हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेट करना, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहा करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला जो बग है कि आप किसी भी गाड़ी को वाटर के अंदर कैसे ड्राइव कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ऑसम किस्म का बग है। इसके लिए आपको नीड है एक रिक्शा की, आपको एक रिक्शा लेना है, और गैस जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ बिल्कुल वहीं पे जाना है, और आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी गाड़ी को जो हो पानी के अंदर ड्राइव कर सकते हो, वाटर के अंदर ड्राइव कर सकते हो, और बिल्कुल वो वहाँ पे मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं, एक जगह स्टक नहीं हो जाएगी, बिल्कुल चलती रहेगी, और आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक भी जा सकते हो। सेम टू सेम आपको जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वहाँ वैसे करना है। और जिस लोकेशन पर मैं हूँ ये कोटा टुआ के पास, बिल्कुल एक पहाड़ सा जो ऊंचा सा है उसके ऊपर आपने आ जाना है रिक्शा लेके। और गाइस यहाँ पे इसके ऊपर टॉप पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपका जो रिक्शा है उसको रिवर्स मूव करना है, और जो आपका पीछे गाड़ी को पीछे करने वाला रिवर्स वाला बटन होता है आपने उसको दबा के रखना है। उसको आप जैसे ही दबा के रखोगे तो आपकी गाड़ी जैसे ही पानी के अंदर आएगी आपने उसको दबा के रखना, और आपका जो रिक्शा है वो मूव करता रहेगा। और गाइज आप जो हो एंड कॉर्नर पे दूसरे कॉर्नर के एंड तक भी ऐसे पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। तो एक मिनट के अंदर आप वहाँ से उस स्टॉप से यहाँ पे दूसरे किनारे पे आ गए। तो कैसा लगा ये बग? बहुत ही अमेजिंग बग था, कमेंट सेक्शन में बताना। मूव ऑन करते अपने नेक्स्ट बग की तरफ। तो गाइस अब बात करते हैं अपने बग नंबर सेकंड की। तो बग नंबर सेकंड जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, वो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले आके यहाँ पे एक परचेज कर लेना है इनहेलर, एक इनहेलर परचेज करें या जितने भी चाहें आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ सोफे के पास चले जाना है, और यहाँ पे जो सिट वाला बटन आ रहा है आपने सिट पे टैप करना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, एक इनहेलर यूज़ कर लेना है। जैसे ही आप इनहेलर यूज़ करोगे आपको कुछ डिफरेंस नज़र आया नहीं आया अभी तक? तो गाइज डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप लीव वाला बटन यहाँ से एकदम से गायब हो चुका है। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी लीव वाला बटन आपको नहीं नज़र आ रहा। अब यहाँ से बैक जाने का एक ही तरीका बच गया। तो गाइज ये एक जस्ट फनी बग है। तो यहाँ से अगर आपको बैक जाना है तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ ऊपर से कॉर्नर से आपको जो ट्रेनिंग मोड से एग्जिट होना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही बैक जा सकते हो, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। गाइज हमारा जो नेक्स्ट बग है वो है कि आप अपने सुमन एयर ड्रॉप को एयर के अंदर कैसे स्टक करा सकते हो कि वो हवा में ही अटक जाए। तो उसके लिए गाइज आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चाहिए एक सुमन एयर ड्रॉप, आपने सुमन एयर ड्रॉप ले लेना, उसको यहाँ पे कहीं पे भी थ्रो कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए गाइज तीन ग्लू वॉल्स। तो ग्लू वॉल आपने कैसे प्लेस करनी है, सबसे पहले वाली जो ग्लू वॉल है सुमन एयर ड्रॉप के बिल्कुल ऊपर, दूसरी ग्लू वॉल जो पहले वाली ग्लू वॉल है उसके बिल्कुल साथ, और तीसरी ग्लू वॉल आपने दोनों ग्लू वॉल के अपोजिट में जाके बिल्कुल साथ साथ लगा देनी है। और देन गाइज इसको करने के बाद आपने करना है थोड़ा सा वेट, जब तक आपका एयर ड्रॉप आ जाता है तब तक आपने करना है वेट। तो यहाँ पे गाइज हम वेट करते हैं तब तक के जब तक हमारा जो है एयर ड्रॉप आ जाए। तो गाइज यहाँ पे देखें हमारा जो एयर ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट आ चुका है, हाँ आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे देखें एयर ड्रॉप आ चुका है और उसने बिल्कुल ग्लू वॉल्स के ऊपर लैंड किया। तो यहाँ पे गाइज अब आपने क्या करना है कि अपने ग्लू वॉल जो है उनको फोड़ देना है, उनको तोड़ देना है, उनको ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्लू वॉल्स बिल्कुल तोड़े जा रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइज जैसे ही आप तीसरी ग्लू वॉल तोड़ोगे तो यहाँ पे मैजिक ही है कि गाइज आपका जो एयर ड्रॉप है वहीं पे स्टक हुआ हुआ है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, वो हवा में ही रहेगा। तो गाइज इससे आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा अमेज कर सकते हो कि यार चेक आउट दिस ग्लिच, कि मैंने कैसे इसको हवा में ही रोक के रखा हुआ है, न्यू पावर। तो गाइज ये वाला ग्लिच जो है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, आप ऐसे मतलब ग्लिच करके अपने फ्रेंड्स को अमेज कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह भी बना सकते हो फनी फनी। तो गाइज ये वाला बग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट बग है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है कि आप कैसे जो है ग्लू वॉल्स ज़्यादा ले सकते हो। आपको पता है कि अपडेट के बाद ग्लू वॉल्स आप 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्लैश स्क्वाड हो या क्लैश स्क्वाड रैंक्ड हो। तो गाइज़ आपको करना क्या है कि 3 ग्लू वॉल्स लेके उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाना और तीनों ग्लू वॉल्स को ड्रॉप कर देना है। आप जैसे ही 3 ग्लू वॉल्स ड्रॉप करोगे तो आप 2 ग्लू वॉल्स और परचेज कर सकते हो, और जो ड्रॉप की भी 3 ग्लू वॉल्स थी उनको भी उठा लेना, तो आपके पास एक ही गेम के अंदर 5 ग्लू वॉल्स हो जाएंगी। और 5 ग्लू वॉल्स आई थिंक के यार बहुत ज़्यादा इनफ है, एक क्लैश स्क्वाड के एक मैच के लिए जो है 5 ग्लू वॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गाइस आप ऐसे जो हो अपनी लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो अपने क्लैश स्क्वाड रैंक्ड के अंदर, या क्लैश स्क्वाड के अंदर भी ग्लू वॉल्स की लिमिट आप ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, जस्ट 3 ग्लू वॉल्स आपने परचेज़ की हुई है, कॉर्नर पर जाना है, उन तीनों को ड्रॉप करना है, 2 और परचेज़ करनी है, और फिर 3 जो पहले वाली होंगी उनको भी उठा लेना, तो आपके पास 5 ग्लू वॉल्स हो जाएंगी। मतलब कि फ्री फायर के अंदर रूल ये है कि आपको 3 से ज़्यादा नहीं लेके जानी, लेकिन उनको भी नहीं पता ये ग्लिच काम कर रहा है कि आप 5 ग्लू वॉल्स भी एक राउंड के अंदर लेके जा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम ग्लिच है, इसको भी ट्राई करना गाइज। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट ग्लिच है वो भी बहुत ज़्यादा ऑसम है कि का आप कैसे इनविजिबल हो सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम किस्म का ग्लिच मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले गाइज आपने यहाँ पे कोई भी राउंड हो आपका क्लैश स्क्वाड का, कोई भी राउंड चल रहा हो, आपने यहाँ पे आ जाना है, मतलब कहीं पे भी ऐसी जगह पे आ जाना है कि जहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हो, आपको कोई एनिमी ना मारे, और जोन जैसे ही श्रिंक हो तो आपको आराम से जोन मार के चली जाए, मतलब जोन के आसपास आपने कहीं पे बैठ जाना है। तो गाइज यहाँ पे आपने बैठ जाना है और वेट करना है जब तक जोन श्रिंक होना नहीं स्टार्ट होती। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपकी जोन जो है हमारी श्रिंक होना स्टार्ट हो गई, जैसे ही जोन श्रिंक होना स्टार्ट होगी तो आपने अपना जो डाटा है, नेटवर्क, वाईफाई है, डाटा कुछ भी है, उसको ऑफ कर देना है। उसको जैसे ही आप ऑफ कर दोगे तो फिर आपने गाइज वेट करना है कि जो जोन है आपको श्रिंक करके आगे चली जाए। तो तब तक गाइज आपने वेट करना है जब तक थोड़ा सा जोन आगे नहीं चली जाती, जब वो आगे चली जाएगी फिर आपने गाइज क्या करना है, अपना जो डाटा है उसको ऑन कर लेना है और ऐसे मूव करते रहना है, यहाँ पे जंप शंप मारते रहना है। तो गाइज थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक आपकी पिंग स्टेबल नहीं हो जाती तब तक आपने करना है थोड़ा सा वेट। तो गाइज यहाँ पे वेट कर लेते हैं हमारा जो पिंग तब तक स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे गाइज हमारी पिंग जो है स्टेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें गाइज अब मैं जोन के अंदर हूँ, लेकिन मेरी जो HP है वो मैक्सिमम मतलब कम नहीं हो रही, मेरी जितनी हेल्थ है वो उतने की उतनी है, बिल्कुल थोड़ी सी भी कम नहीं हो रही। तो गाइज ये वाला ग्लिच भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। तो मेरे जो टीममेट्स हैं वो यहाँ से जो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव ऑन कर गए हैं। तो गाइज अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, आप खुद ही नॉक्ड होकर एलिमिनेट हो जाओगे और फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास पहुँच जाओगे, और वहाँ पर जब आप जाओगे तो इनविजिबल हुए हुए होगे एनिमीज के लिए। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, आप थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखें मैं ऑटोमेटिक जो है नॉक्ड हो गया हूँ चलते चलते, और गाइज यहाँ पे मैं जैसे ही नॉक्ड हुआ यहाँ पे किल्ड हो जाऊँगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें मैं अपने फ्रेंड्स के बिल्कुल साथ हूँगा। और गाइज यहाँ पे देखें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इनविजिबल हो जाऊँगा एनिमीज के लिए। कैसे इनविजिबल होऊंगा मैं आपको प्रूफ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज देखें जो हम यहाँ पे गन वगैरह ले ली है, तो गाइज यहाँ पे देखें हम जैसे ही जा रहे हैं एनिमीज की तरफ, तो गाइज अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ एनिमीज की तरफ आपको चेक आउट कराने कि मैं इनविजिबल हुआ हूँ या नहीं। तो गाइज यहाँ पे देखें मैं एनिमीज की तरफ चला गया हूँ और यहाँ पे एनिमीज के बिल्कुल सामने हूँ, लेकिन वो मुझे डैमेज वगैरह नहीं कर पा रहे, उनको मैं नज़र ही नहीं आ रहा। तो गाइज यहाँ पे आप भी एनिमीज को डैमेज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उनकी लोकेशंस पूरी की पूरी रिवील कर सकते हो, अपने टीममेट्स को बता सकते हो कि एनिमीज कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से कवर के पीछे छुपे हुए हैं और कौन कौन सी लोकेशन को कवर कर रहे हैं, सब कुछ आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। और आराम से जो हो आराम से आप जो हो क्लैश स्क्वाड का ये वाला मैच कोई भी हो, रैंक्ड हो या जो भी हो, आप आराम से जीत सकते हो एनिमीज़ के लिए जो हो आप इनविजिबल हो जाओगे। तो गाइज़ यही था टॉप 5 बग्स जो फ्री फायर के अंदर वर्क कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म के बग हैं। तो गाइज़ होप्स हो कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखना अपना बहुत ज़्यादा वाला ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।